जो मेरे पास खबर है, वी आर टचिंग द मेजोरिटी, कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी, कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है। बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं, वो अपडेट नहीं की। माधवपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, गजे में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम जीतने जा रहे हैं, तो ये अपडेट नहीं हो रहा है। तो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। जो मेरे पास खबर है, वी आर टचिंग द मेजोरिटी, कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी, कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है। डेटा क्रिएट किया जा रहा है, बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं, वो अपडेट नहीं की। जैसे चक्का साहब है, शैली है, रामकरण है, अशोक अरोड़ा है, ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर मिली हैं। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, गज्जे में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम जीतने जा रहे हैं, तो ये अपडेट नहीं हो रहा है। बेटा इलेक्शन कमीशन में और कई जगह काउंटिंग रिपोर्ट की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने शांत रहो सर, आप इतनी सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक, आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता है उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है, और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हो गई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हो गई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है, कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ जीत, हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट करा तो इलेक्शन कमीशन देगा, तो डाटा अपडेट करें। और जैसे मैंने कहा, ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। सर इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि बीजेपी के इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी निगरानी रखें और कोई ऐसी बात ना होने दें।